सर्वप्रथम सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ। नवोदय विद्यालय समिति नोएडा ई सामग्री में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 विषय हिंदी भ पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ कारतूस है उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। फिर से मैं आप सब लोगों का पुनः स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले मैं आप लोगों को मेरा एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम है रमेश नायक। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूर में वरिष्ठ अध्यापक पीजीटी के रूप में कार्यरत हूं। तो लेखक परिचय कर लेंगे। कारतूस पाठ के लेखक है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म 1923 ईस्वी छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन के नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, राजापुर की शांति भाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। कारतूस, कारतूस का एक चित्र यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो कारतूस का अर्थ होगा किसी बंदूक में मैं रखकर चलाई जाने वाली धातु। आप लोग कर सकते हैं। तो कारतूस एकांकिका एक संक्षिप्त जानकारी। इस पाठ में हम लोग ये जानकारी पा सकते हैं। तो इस पाठ में ये मुख्य रूप से बताया गया है कि अंग्रेज इस देश में व्यापार का भेष धारण करके आए थे। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे अपने देश के रियासतों पर अपना ही अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। तो हमारे देश के लोगों ने इसे जान लिया, समझ गए अंग्रेजों का इरादा। तो उन्होंने मन ही मन में यह ठान लिया कि इन अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाना है। तो प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसी ही अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीरों के कारनामों का वर्णन किया गया है। एकांकी के पात्र परिचय और स्थान के बारे में जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्र कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार और समय 5 मिनट और जमाना 1799। समय रात का है और जगह गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंग के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं।
कर्नल कालिंग और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी चिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट ने कहा, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। वजीर अली, आदमी है या भूत, हाथी नहीं लगता। तो कर्नल उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गए। देखिए, कर्नल लेफ्टिनेंट से कह रहा है कि जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, मतलब बहुत ही डेंजर है, मतलब व्यवस्थित नहीं है, भयानक है। इस पर लेफ्टिनेंट भी कहा कि लोगों को यहाँ जंगल में डेरा डाले हुए कई हफ्ते हो गए, उनके सिपाही भी परेशान आ गए हैं। ये वजीर अली कोई आदमी है या कोई भूत जो हाथी नहीं लग रहा है? कर्नल आगे की बात कहता है कि वजीर अली की कहानियां सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड की याद, उसी तरह वजीर अली भी मन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी है। वजीर अली ने कोई 5 महीने ही शासन किया होगा, परंतु इन 5 महीनों में उसने अवध के राज्य को अंग्रेज के असर से लगभग बिल्कुल साफ कर दिया था। लेफ्टिनेंट प्रश्न पूछते हैं, कर्नल कालिंज, ये शहादत अली कौन है? तो कर्नल ने जवाब दिया, आसिफ अब्दुल्ला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ अब्दुल्ला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। इसका अर्थ यह है कि जब लेफ्टिनेंट ने पूछा कि यह शहादत अली कौन है, तो आसिफ अब्दुल्ला का भाई है, इस प्रकार कर्नल ने बताया। और कर्नल ने यह भी कहा कि वह शहादत अली वजीर अली का दुश्मन भी है। यह दुश्मन क्यों बन गया? क्योंकि शहादत अली को यह उम्मीद थी कि आसिफ अब्दुल्ला का कोई संतान नहीं है, तो अगला राजा मैं बनूंगा। जब उसकी संतान हो गई, वजीर अली पैदा हुए, तो शहादत अली ने इसको अपना दुश्मन मान लिया, मौत का ख्याल किया। फिर लेफ्टिनेंट फिर से सवाल किए, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है, मतलब क्या कारण है? शहादत अली एक हमारा दोस्त है और बहुत पेश पसंद आदमी है, मतलब बहुत मजेदार आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद, मुमलिकत मतलब जायदाद दौलत दे दी, और 10 लाख रुपया नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो कर्नल ने कहा कि यह हमारा दोस्त है, बहुत पसंद का आदमी है, खूब मजे में रहता है, और उसने हमें उनकी आधी जायदाद हमें दे दी है, और उसके ऊपर 10 लाख रुपये भी नगद के रूप में हमें दे दिया, तो वो भी खुश और हम भी खुश। लेफ्टिनेंट सवाल करते हैं, सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल ने जवाब दिया, ऐसा नहीं, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में किसने दी थी? टिप्पू सुल्तान ने दी।
फिर वजीर अली। तो इसमें आपको जो दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, यह है टीपू सुल्तान जी और यह है हमारे वजीर अली। तो उसके बाद शामसुद्दौला ने भी दावत दिया था, कर्नल ने बता दिया। लेफ्टिनेंट फिर से उसके मन में यह बात आई और उसने पूछा कि कौन शामसुद्दौला। तो कर्नल ने जवाब दिया, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, मतलब बंगाल के राजा के भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट फिर से पूछते हैं, इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, मतलब कंपनी के खिलाफ हर एक ओर से दावत देकर कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए एक लहर, मतलब एक तैयारी हो रही है। तो कर्नल ने हाँ कहा, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए, मतलब ये सब एक साथ जुटकर लड़ाई लड़कर कंपनी के खिलाफ लड़कर कामयाबी हो गए, तो बक्सर प्लासी युद्ध जो चले थे उससे भी भयंकर होगा। तो कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथ से कमाई थी, हासिल की थी, कंपनी को बनाई थी, वह सब कुछ आने वाले लॉर्ड क्लेजी के हाथों में क्या होगा, खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो जवाब दिया कर्नल ने, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज है, जांबाज मतलब सिपाही लोग, कुछ अपने आदमी वीर लोग, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। दमखम है मतलब एकदम स्ट्रांग है। तो वजीर अली की आजादी खतरनाक महसूस हुई लेफ्टिनेंट को, तो उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हमको वजीर अली को क्या करना चाहिए, गिरफ्तार करनी चाहिए। तो कर्नल ने उससे यह साफ साफ कर दिया और उन्होंने यह भी बता रहे हैं कि हम उसके पीछे एक फौज लेकर लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा, बरसों से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वह बहुत खतरनाक आदमी है, वह हमें आंखों में धूल झोंक रहा है। मतलब आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। उसके साथ कुछ जांबाज सिपाही है, बहुत कम है लेकिन बहुत मजबूत है। फिर लेफ्टिनेंट ने बताया, सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल ने कहा, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि मैंने सुना है वजीर अली बहुत खतरनाक आदमी, बहादुर आदमी है। तो कर्नल ने उसको हाँ कहते हुए, यदि वह बहादुर ना होता तो वकील की कत्ल कैसे करता, बहादुर होने पर भी उनकी हत्या की है। फिर लेफ्टिनेंट ने पूछा, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल, मतलब कंपनी के वकील को वजीर अली ने जो हत्या किया था उसका किस्सा, उसका मतलब कहानी क्या है कर्नल। तो कर्नल ने बताया, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। 3 लाख रुपया सालाना वजीफा
मुकरर कर दिया, वजीफा मुकरर। वजीफा का मतलब है सहायता। प्रति मुकरर का अर्थ होता है निश्चित। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, मतलब उसको तलाश खोज किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया और बनारस में रहता था और उसके शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, मतलब वह कोलकाता में मुझे क्यों तलाश करता है। तो वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला कर दिया। मतलब यह वकील ने वजीर अली को उनकी शिकायत न सुनकर उन्हें डांटना या कुछ गालियां देना, कुछ जो कुछ बर्ताव करना था वह ठीक नहीं था, उल्टा बुरा भला उसने सुना दिया। वजीर अली तो पहले ही जांबाज सिपाही था, खतरनाक था। तो वजीर अली दिल से यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। उनसे खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, मतलब हत्या कर दिया। तो गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकाल कर वकील की कत्ल कर दी। लेफ्टिनेंट ने कहा और भाग गया। कर्नल ने बताया आपने जानसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। देखिए तो कत्ल करके भाग गया, तो कर्नल ने जो फिर भागेगा नहीं तो क्या करेगा, तो वह अपने सिपाहियों के साथ आजमगढ़ को छोड़कर यहीं आजू बाजू में घाघरा तक पहुंच गया और जंगलों में आज रहता है। तो लेफ्टिनेंट फिर से प्रश्न पूछते हैं, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? तो स्कीम का मतलब है योजना, स्कीम का मतलब है प्लान। तो कर्नल ने कहा उसकी स्कीम यह है कि नेपाल किसी भी हालत में पहुंच जाना, फिर अफगानिस्तान के हमले का इंतजार करना, अपनी ताकत बढ़ाना, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से निकाल देना। तो फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं, पूछते हैं, नेपाल पहुंचना तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, मुमकिन है कि पता लगता है कि अब तक वह पहुंच गया हो। तो कर्नल ने बताया हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां की सिपाही बड़े शक्ति से उसका पीछा कर रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इन्हीं जंगलों में वह रहता है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बार बार उसकी स्कीम और उनके आगे की जो हमला करने की जो योजना है इसके बारे में पूछता है। तो कर्नल सब सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं जो कुछ भी उनका स्कीम हो, लेकिन हम लोगों का यह योजना है कि हम शहादत अली के सिपाहियों के साथ मिलकर किसी भी हालत में वजीर अली को गिरफ्तार कर लेना, ताकि आने वाले अफगानिस्तान का हमला और कई अन्य बादशाहों का हमले को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। जब लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच में बात हो रही थी तो तुरंत कर्नल उठकर सवाल किए, क्या बात है,
उनका एक सिपाही था गोरा, उसने कहा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया और बताया, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा काफिला चला आ रहा है, मतलब पूरे लोगों का समूह, मतलब हमला करने के लिए कई लोगों या कई लोग एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले एक समूह जिसे कहते हैं काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। धूल को देखकर अंदाजा किया कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दृष्टि से नजरों से देखा तो एक ही सवार आ रहा था। तो कर्नल ने कह दिया, और जो बताते हैं, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए चला आ रहा है। सरपट, सरपट का अर्थ है तेज से, तेज से। तो तेजी से घोड़ा घोड़ा दौड़ाकर आ रहा था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल से कहते हैं, और देखिए सीधा हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, मालूम होता है। तो कर्नल ने ताली बजाकर कह दिया, सचेत कर दिया, सिपाहियों से कहा, सिपाहियों से कह दो इस सवार पर नजर रखे, मतलब अपनी निगाह रखे कि किस तरह जा रहा है, मतलब यह कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पर नजर रखो। सिपाही लोगों ने सलाम करके चले गए और नजर रखे। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरह आ रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, सीधा यह सवार हमारे तरफ ही आ रहा है। सुबह की मतलब कोई संदेह नहीं, शक नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है, यह लेफ्टिनेंट ने कहा। सवार कहते हैं, मुझे कर्नल से मिलना है, जो वह तेजी से घोड़े पर आया था वह एक सवार था। वह आकर कहने लगा कि मुझे किससे मिलना है, कर्नल से मिलना है। तो अंग्रेज का गोरा सिपाही चिल्लाकर, बहुत खूब का सवार सी। फिर गोरा ने अंदर जाकर कर्नल से मिलकर कहते हैं, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल ने कहा, भेज दो। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। तो कर्नल ने इशारा करते हुए खामोश रहो कह दिया। तो सवार आकर कहते हैं, तन्हा ही, तन्हा ही, मतलब एकांत में, अकेले में मिलना चाहता है। कर्नल कहते हैं सवार से, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, गैर मतलब दूसरे आदमी नहीं, पूरे हमारे आदमी है। आप राजे दिल कहे, आपके मन में जो कुछ है वह दिल खोल कर कह दो। सवार कहते हैं, दीवार हमगोश, दरार तन्हाई। तो सवार का कहने का मतलब है, दीवार के भी कान होते हैं, इसलिए मैं एकांत में खास बातें करना चाहता हूँ। तो सवार कर्नल से कहते हैं कि आप इस मुकाम पर, मतलब इस जगह पर, इस स्थान पर क्यों खेमा डाले हैं? खेमा मतलब क्यों, टेंट मतलब अपना तंबू डाले हैं। तो कर्नल ने कहा, कंपनी का हुक्म है, कंपनी का आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहते हैं, लेकिन इतना
लाओ शक्कर क्या मायने। कर्नल कहते हैं गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों बेकार में तंबू डालकर खेमा डालकर आप यहाँ पर समय बिता रहे हैं। तो ये सारी हम जो कर रहे हैं किसकी वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए। तो सवार ने कहा वजीर अली गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब बहुत कठिन है साहब। तो उसने कहा क्यों। वह एक जांबाज सिपाही है, वह एक बहुत खतरनाक सिपाही है। मैंने भी सुना रखा है, आप क्या चाहते हैं। कर्नल ने सवार से सवाल किया। तो सवार कहते हैं मुझे चंद कारतूस। चंद मतलब थोड़े कारतूस बुलेट। कर्नल ने सवाल किया किस लिए। तो सवार कहते हैं वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। जो आप जिसको तलाश कर रहे हैं उसको मैं पकड़ कर दूंगा, उसकी गिरफ्तारी में मदद करूंगा। तो बिना सोचे समझे कर्नल ने ये लो 10 कारतूस दे दिया। और सवार मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, शुक्रिया। तो उसके बाद कर्नल पूछते हैं आपका नाम। तो सवार ने कहा वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शीश करता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, दान कर देता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला जाता है और घोड़े की टापों की आवाज शोर करती हुई सुनाई देती है। तुरंत वह 10 कारतूस लेकर चला जाता है और कर्नल उसकी सन्नाटे में हक्का बक्का कर आश्चर्यचकित होकर एकदम घबरा कर वह खड़ा रहता है। लेफ्टिनेंट अंदर आकर पूछते हैं कौन था। तो कर्नल एकदम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि वह एक जांबाज सिपाही अर्थात वजीर अली ने सवार के रूप में आकर यहाँ पर कर्नल को धोखा देके 10 कारतूस लेके भाग गया था। तो इस प्रकार वजीर अली की एक स्कीम और जंगल में रहने का और अंग्रेजों को खतरे में डालने का और डरा के रखने का ठीक इस एकांकी से हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छी ढंग से समझ लिए हैं और एक दो बार कहानी आप मतलब एकांकी आप लोग पढ़िए और आराम से समझने की कोशिश कीजिए और इसको मंच प्रदर्शन के रूप में करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। इस एकांकी के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब तक आपने सारे एकांकी को ध्यान से सुने होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सभी को मैं एक छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूँ, इसको आप लोग अपने तौर पर कर सकते हैं और इसे करेंगे तो आपको यह एकांकी स्पष्ट हो जाएगी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।